Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are, I am AC Sedisha Chauhan, a proud film drama. Aaj ke video mein, we are going to be discussing 10 steps or key points to clear your ACCA knowledge level. So if you're interested in knowing that, keep on watching this video. To, aaj aate hain sabse pehle step pe, jo ki hai plan ahead, yani ki क्योंकि आपके नॉलेज लेवल के एग्जाम्स ऑन डिमांड एग्जाम्स होते हैं, यानी कि एसीसीए कोई डेट इसके लिए नहीं निकालता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक डेट सेलेक्ट करो. सो यू नीड टू प्लान अहेड. आप पढ़ के फिर नहीं डिसाइड करना चाहिए आपको कि ओ आप मैं इस दिन एग्जाम दे दूँ, इस वीक दे दूँ. बिफोर यू स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन, यू शुड प्लान अ डेट. एंड यूजली आप ऐसी डेट पिक करो जब आपके कोई और कमिटमेंट्स ना हो. यू नो, अगर आप स्कूल में हो तो कोई स्कूल के एग्जाम्स ना हो या कोई कॉलेज के एग्जाम्स ना हो उस वक्त. बिकॉज ऑब्वियसली ये आपको चॉइस दी जा रही है कि आपको ही डेट पिक करनी है. सो मेक श्योर यू पिकिंग अ डेट व्हेन देयर आर नो अदर कमिटमेंट्स एज सच. सेकेंड की पॉइंट इज दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस and the pattern of the exam. Before you start off, आपको जानना हो चाहिए कि भाई पूरा syllabus क्या है, because it is very important you do not miss out on any area. So make sure you know what is the entire syllabus. Pattern क्या होता है किसी भी उस exam का. So knowledge level में जैसे कि आपका you know section A और section B आता है, एक MCQs होता है, एक MTQs होता है. So you need to understand कि ये exactly होता क्या है before you appear for your exams. Number three is that you need to start early. You know, ये हमारा school college के exams नहीं है कि just few days before or few weeks before you would be thinking that okay, I'll start the preparation and give the exam. No, you need to start well in advance. कुछ बच्चे 6 weeks में preparation कर सकते हैं, कुछ को शायद 8 weeks लग जाए, 9 weeks लग जाए. You know, it depends student to student कि उनकी बाकी क्या commitments हैं. बट इट इज ऑलवेज एडवाइस कि आप पहले से ही स्टार्ट कर लो. सो आप यू नो अगर आपको लगता है आप 6 to 8 weeks में कंप्लीट कर लोगे, तो आप बिफोर दैट ओनली एक डेट ले लो. जैसे कि अभी लेट्स से हम अगस्त में हैं, अगर तो आपको अगर सेप्टेम्बर में एग्जाम देना है, तो आप पहले डिसाइड करो कि ओके मैं सेप्टेम्बर में इस वीक में एग्जाम दूंगा. एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एंड यू शुड स्टार्ट अर्ली. जब एग्जाम आपका पास आ रहा है, लेट्स से आपने अगर सेप्टेम्बर की डेट कोई पिक की है, लेट्स से 14 सेप्टेम्बर, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा यू नो 1 सितंबर में डिसाइड करो कि अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूं. नो, यू नीड टू स्टार्ट अर्ली. देन नेक्स्ट स्टेप, व्हिच इज द फोर्थ स्टेप, इज यू शुड यूज द रिसोर्सेज एट हैंड. यू नो, जो भी आपको मटेरियल आप यूज कर रहे हो ना, इफ यू आर रजिस्टर्ड विद फिनट्रैम ग्लोबल, देन यू हैव नथिंग टू वरी. We give you study material of all the sessions. We give you revision sessions and uska study material and the question marathon. So you know that you are well versed and well prepared before the exam. Question marathon mein kyunki hum solve karte hain itne sare concept based questions, past exam questions. So jo bhi hum aapko resources dete hain, you will need to use that. Aur agar aap koi aur usse kar rahe ho, apne aap kar rahe ho, then jo bhi aapke paas resources hai, make sure you are using that. Number fifth is very important. You need to complete the entire syllabus. If you want to clear your ACCA exams, knowledge level exams, आपको अपना पूरा syllabus complete करना ही होगा. You cannot cherry pick. ये topic ठीक है, मैं ये पढ़ूंगा, ये थोड़ा difficult है, इसको छोड़ देता है. आप ऐसा नहीं कर सकते हो. You have to complete the entire syllabus and this is very important. Then नंबर सिक्स इज दैट यू नीड टू एलोकेट स्लॉट्स फॉर योर रिविजन. तो जैसे कि आप अपने अपने पूरे सेशंस कर लिए, देन आपको डिसाइड कर लेना होगा कि ओके इतने दिन मैं रिवाइज करूंगा, इतने इतने घंटे रिवाइज करूंगा. एंड बिफोर योर एग्जाम्स ऑल्सो आपको रिविजन के लिए टाइम छोड़ना ही चाहिए. अपार्ट फ्रॉम द नोट्स दैट वी गिव, इवन दो दे आर इनफ, जब आप रिवाइज करते हो, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दिस टू स्टूडेंट्स कि आप अपने खुद भी थोड़े बहुत नोट्स बनाओ. कुछ डिटेल में नहीं, जस्ट राइटिंग डाउन फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर, सो दैट जब आप फाइनल डे रिवाइज कर रहे हो, इट इज वेरी इजी फॉर यू. नंबर सेवन इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. अगर आपको क्लियर करने हैं अपने एग्जाम्स, देन ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस. सिर्फ क्वेश्चन देख के इनफ नहीं होता, अपने आप खुद सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन दैट. सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग एज वेल. देन
नंबर 8 जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो होता है गिविंग योर मॉक एग्जाम्स. इवन दो कितने बार बोला गया स्टूडेंट्स को कि हमेशा एग्जाम से पहले आपको एक मॉक एग्जाम अंडर द सेम कंडीशंस यानी कि टाइम फ्रेम में देना चाहिए, उससे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है एंड आपको पता चल जाता है वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड, कितना टाइम आपने कंज्यूम किया. सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आपको क्लियर करना है अपना एग्जाम, प्लीज देन मॉक एग्जाम देना बिल्कुल मत भूलिए. मॉक एग्जाम देना बहुत 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 जरूरी है. सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट. नंबर 9th इज कि अब जब आपने मॉक एग्जाम दे दिया है तो अब आप देखो कि क्या चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है एंड फोकस ऑन दैट. तो आप डिसाइड करो कि भाई मेरे भी टाइम की कमी थी, मैं पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाया, सो ट्राई टू इंप्रूव ऑन दैट, वर्क ऑन दैट बाय प्रैक्टिसिंग मोर. या अगर आपको लगता है आपको कोई पर्टिकुलर एरिया के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाए, आपने सॉल्व किए और गलत आंसर्स थे, देन मे बी रिवाइज दोस एरियाज अगेन. ऑल्सो ड्यूरिंग योर रिविजन टाइम मेक श्योर आप बस रिवाइज कर रहे हो वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी है एंड यू नॉट स्टार्टिंग विद अ फ्रेश टॉपिक और समथिंग न्यू. सो मेक श्योर आपने पहले ही सब कुछ पढ़ लिया और आप बाद में सिर्फ रिवाइज कर रहे हो. एंड द फाइनल 10th पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही नॉलेज लेवल एग्जाम के लिए नहीं बट लाइफ में कोई भी एग्जाम के लिए, वो से इज कीप अ ट्रैक ऑफ योर हेल्थ. योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वेल बींग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पीरियड बट इवन ड्यूरिंग द एग्जाम. और वो तभी हो पाएगा जब यू आर गेटिंग साउंड स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, योर ईटिंग हेल्दी, तभी आप जो है होलिस्टिक लर्निंग कर पाओगे. सो मेक श्योर यू आर यू नो प्रिपेयर्ड मेंटली, फिजिकली एंड देन गुड टू गो. एंड ऑफकोर्स देन जस्ट गिव योर एग्जाम्स ऑल द बेस्ट फॉर दैट. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. कोई क्वेरीज है, कोई टेंशन की बात नहीं, कमेंट डाउन बिलो. We at FinTram Global are the gold-approved ACCA learning partners. We help students with registration, mentoring and coaching them. So, agar aap humein join karoge, to aapki journey ho jayegi bahut hi zyada smooth. All you have to do is visit our website and everything will be sorted. You can also take our demo sessions to understand exactly hum kaise padhate hain and then join us. अब मैं आपको मिलूंगी जल्द ही किसी और वीडियो में. तब तक के लिए, this is Disha Chauhan signing off.